बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है कॉन्ट्रैक्टर सुपरविजन। जैसे कि हम आपको बताए आईजीसी 1 लेके चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का टॉपिक हमारे यहाँ पे आके ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। तो लास्ट पॉइंट उसमें होता है कॉन्ट्रैक्टर सुपरविजन, या इसकी एक्टिव मॉनिटरिंग भी इसको कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या चीज़ डिसाइड करनी है, एज पर मेथड स्टेटमेंट। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, किसी भी सेफ्टी प्लान के लिए बात होती है, तो आपका जो मेथड स्टेटमेंट है उसमें जो प्री डिफाइन होती हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो डिसाइड की जाती हैं कि कितने सेफ्टी प्रोफेशनल्स हमें चाहिए, कितनी मैन पावर है, उनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या चीज़ उन्होंने कवर करनी है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी जो मेथड स्टेटमेंट है उसमें कवर हो जाती हैं। तो एज पर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को अपनी मैन पावर के अकॉर्डिंग उतने सेफ्टी प्रोफेशनल, सेफ्टी सुपरवाइजर ऑफिसर प्रोवाइड करने होते हैं। इसके बाद ऑन साइट पर आकर जो क्लाइंट है उसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें इंश्योर करनी है, आपने इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग आपने साइट की इंडक्शन ट्रेनिंग करवानी है कॉन्ट्रैक्टर के तमाम एम्प्लॉयज़ को, जिनमें उनके सेफ्टी ऑफिसर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तमाम लोग इन्वॉल्व होंगे कि हमारा प्लांट क्या काम कर रहा है, इसमें क्या हैजर्ड्स हैं, क्या रिस्क हैं, और हमने किस लेवल पर उनको कंट्रोल मेजर प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा हमारे जो रोड सेफ्टी है, जो हमारी इमरजेंसी नंबर है, सेफ असेंबली पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपने उनको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। उसके बाद उनके आपने जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स हैं, जो उनकी एक्सपीरियंस लेटर हैं, या जितने भी एक्सपीरियंस है, उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, वो आपने उनसे कलेक्ट करने हैं, उनको आपने वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने उनको अप्रूव करना है कि अभी ये कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज, वर्कर, मैनेजमेंट, स्टाफ, सेफ्टी प्रोफेशनल ने यहाँ पे काम करने के कंपिटेंट हैं, अप्रूव्ड हैं, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपने उनकी साइन इन और साइन आउट को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, कि साइट पे जो आदमी बैज लेके आ रहा है, आपका आईडी कार्ड लेके आ रहा है, या आपका जो भी प्रोसीजर है जिससे आपने साइट पे एंट्री एंड एग्जिट को मैनेज करना है, वो प्रॉपर्ली वही आदमी उसको यूज़ करे जो आपके एज पर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आपने अप्रूव किया है, आफ्टर इंटरव्यूज, आफ्टर उनके वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिसको आपने अप्रूव किया है वही शख्स एंटर कर रहा है और प्रॉपर्ली टाइम पे एंटर कर रहा है। लेट्स सपोज अगर आपके पास शिफ्ट चल रही है मॉर्निंग नाइट 6 to 6 या 7 to 7, तो टाइमली जा रहा है बंदा, अंदर जा रहा है, टाइमली बाहर आ रहा है, इसको आपने प्रॉपर्ली मैनेज करना है, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जो जितने भी एम्प्लॉयज अंदर अवेलेबल हैं वो जाके असेंबली पॉइंट पे भी काउंट किए जा सकें, और इन केस अगर कोई बंदा वहाँ पे नहीं पहुँच सक रहा, कोई वर्कर वहाँ पे नहीं पहुँच रहा, तो उसको प्रॉपर्ली रेस्क्यू किया जा सके, और जो रेस्क्यू टीम है उसको अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के मैनेज किया जा सके, अरेंज किया जा सके। इसके बाद जो बात करेंगे सुपरविजन ऑफ वर्किंग प्रैक्टिस की, जो काम चल रहा है, जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने परफॉर्म करनी है आपके किसी इक्विपमेंट में, आपके किसी एरिया में, तो वो आपके लिए तो रूटीन जॉब है, जो क्लाइंट है उसके लिए वो रूटीन एक्टिविटी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके लिए वो रूटीन एक्टिविटी नहीं है, उसके लिए वो एडिशनल टास्क होगा या आपकी लाइव इक्विपमेंट के साथ वो टास्क होगा। तो आपने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है उसको आप क्लासीफाई करेंगे, तो आप उसको 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, जनरल, क्रिटिकल या हॉट वर्क में। तो उस अकॉर्डिंग आप उनको परमिट इशू करेंगे, आपकी जो भी इस तरह की एक्टिविटीज होगी वो आपके परमिट कंट्रोल होगी। उसके बाद आपको उसमें एक्टिव सुपरविजन प्रोवाइड करनी है, वो आपकी एक्टिव सुपरविजन मैकेनिकल या प्रोफेशनल भी होगी और सेफ्टी रिलेटेड भी होगी, ताकि काम टाइमली भी कंप्लीट हो सके और सेफली भी काम कंप्लीट हो सके। आपका जो प्रोसेस है, जो आपका ऑपरेशन है, जो आपके मैकेनिकल सुपरवाइजर होंगे वो काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कंप्लीशन ऑफ वर्क पे होती है। इसके साथ साथ जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स होंगे वो काम को सेफली कंप्लीट करवाने के लिए अपनी एफर्ट देंगे, अपनी इनपुट देंगे, और काम इसी तरह ऑपरेशन और सेफ्टी दोनों के मिलके प्रोफेशनल तौर पर सेफ तरीके से जल्द कंप्लीट होगा। अगर कोई काम शॉर्टकट या प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जा रहे, SOP एज पर मेथड स्टेटमेंट फॉलो नहीं किए जा रहे, तो उस काम को स्टॉप करवा सकते हैं, उसकी जो कंप्लाइंस है उसके आप अकॉर्डिंग वो काम लाजमी करवाना है एज पर मेथड स्टेटमेंट, जो मेथड क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान डिसाइड हुआ है। इसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट है, किस तरह होता है परमिट टू वर्क के, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अभी तक अगर आपको इस वीडियो में कुछ बात, कुछ टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको निबोश के लिए बुक्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मेरा मिल जाएगा। आपसे वीडियो के एंड पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ HSC ट्रेनर एमएस फ्राल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच सके, और अपने तमाम दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक सेंड करिएगा जो निबोश IGC को उर्दू या हिंदी जबान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का